23 मई 2023 सुप्रीम कोर्ट के पास एक मैटर आई। वो मैटर की हिस्ट्री ऐसी है, रोहित कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फ्लैट बायर थे, ग्रुप ऑफ फ्लैट बायर, उन्होंने बिल्डर के साथ एक समझौता किया था, अग्रीमेंट था कि बिल्डर जो है वो ईएमआई पे करेंगे, चाहे वो बैंक का हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हो। और जब पोजीशन मिल जाएगा घर का, तब होम बायर्स जो है उन्होंने ईएमआई का पेमेंट भुगतान करना है। अभी ये जो बिल्डर है वो फेल गए ईएमआई भरने में और इंसॉल्वेंसी में गए, तो फिर आईपीआर सीआईआरपी जैसे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में गए, और जो परचेजर थे फ्लैट बायर्स उनका सिविल स्कोर अफेक्ट हुआ, तो वो नेगेटिव में जाता है, उसको ब्लैकलिस्ट भी करते हैं कभी कभी। अभी पिटिशनर ने हाईकोर्ट में पिटिशन दायर किया तो उनको 25/5/2022 तक का प्रोटेक्शन मिला, और बैंकों को बोला गया कि आप इनका प्री ईएमआई और फुल ईएमआई आप कलेक्ट नहीं कीजिए, आप जब तक पोजीशन नहीं मिलता। ये जो प्रोटेक्शन था कोर्ट का वो अप टू 25/5/2022 तक का था। इसके बाद हाई कोर्ट में जब भी सुनवाई हुई तभी ये प्रोटेक्शन 14/3/2023 को लिफ्ट किया। तो ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसके सामने पिटिशनर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इनके पास से प्री ईएमआई या तो सब्सिक्वेंट ईएमआई, पोस्ट ईएमआई, फुल ईएमआई ना लिया जाए जब तक उनको घर का पोजीशन बिल्डर से नहीं मिलता। और कोर्ट ने ये बोला कि 25/5 ये जो प्रोटेक्शन है वो 25/5/22 से आज तक जो ऑर्डर है वो जो बेनिफिट है पिटिशनर को वो इंटरिम प्रोटेक्शन माना जाए टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो ये एक कोई भी जो परचेजर है, फ्लैट परचेजर, उन लोग का पोजीशन नहीं मिला है, उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है।